एक ही बात हम दोनों कहना चाहेंगे कि लोगों को ये फिल्म देखनी चाहिए क्योंकि ये फिल्म प्यार के बारे में है, किसी गलत चीज़ के बारे में नहीं है, ये फिल्म कोई गलत शिक्षा नहीं देती है। और फिल्म को देख के आई थिंक, मैं नहीं समझता हूँ, कुछ पेरेंट्स होते हैं जो सोचते हैं हम ऐसी फिल्म देखेंगे तो शायद हमारा बच्चा गे या लेस्बियन बन जाएगा। तो फिल्म देख के ना आज तक कोई डॉक्टर बना ना कोई टीचर बना, तो फिल्म देख के कोई गे भी नहीं बनेगा। आप जो हो आप वही रहोगे, बस आप इंसान की इज्जत करो, प्यार करो। भाई हम फील तो देखो बड़ा अच्छा एक फील कर रहे हैं और आज माहौल है कि जो हमारे किरदार हैं, कैरेक्टर, उनका नाम है एशली और आर्यन। एशली और आर्यन का संगीत है तो एक ये म्यूज़िक लॉन्चिंग है, एक बहुत डिफरेंट वे में हमने जो किया हुआ है। और हम ये बताना चाहते हैं कि प्यार जो है, प्यार करना कोई गुनाह नहीं है। प्यार किसी से भी करे आदमी, उसको उसका प्यार मिलना चाहिए। और आज हमने एक बड़ी अच्छी रस्म की है कि हमने लाइव एशली और आर्यन की जो है रिंग सेरेमनी की आज, और बड़ा मतलब बहुत ही यूनिक इवेंट रहा ये हमारे लिए। और काफ़ी अच्छे लोग आए, काफ़ी एक्टिविस्ट आए, इवन लक्ष्मी जी आई, काफ़ी लोग आए। और हमारे माई को डायरेक्टर हैं, नॉर्वे से आई है, यू नो वी हैव बोथ डायरेक्टेड दिस फिल्म टुगेदर एंड बड़ा वंडरफुल एक्सपीरियंस रहा इनके साथ। लाइक ये एक हमारा एक कॉलोब्रेशन था नॉर्वे और इंडिया का, एक नॉर्वेजियन इंडिया का, और एक बड़ा ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा इनके साथ काम करके। और आगे भी हम काम करेंगे और ये सारी फिल्म हमने नॉर्वे में ही शूट की है। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये बहुत डिफरेंट फिल्म था, इंटरनेशनल टाइप का प्रोजेक्ट था। और पोंजे जी भी नॉर्वेजियन म्यूज़िक डायरेक्टर थी उसमें, तो हम लोग को मिल के चलना था। उनके गाने इंग्लिश के हैं, मेरे हिंदी के गाने हैं, और हम लोग संपर्क करते थे कि मैं इस तरह सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ गाना लता जी गाए, ये गाना सलमा जी ने भी गाया, क्योंकि फिल्म का सब्जेक्ट इंडियन पाकिस्तान बेस था। बहुत मज़ा आया कपिल और युवराज जी के साथ काम करके। संजय जी तो बहुत ग्रेट थे। फिर एक गाना था बप्पीदा, क्या भाई बप्पीदा, तो थोड़ा सा क्या, इट वॉज अ वेरियस कलर्स थे इस म्यूज़िक में। मुदस्सर ने एक बहुत अच्छा गाना गाया, सुपर्ब गाना गाया, सैड सॉन्ग जो रिश्ते का गाना है, बहुत मज़ा आया। चैलेंजिंग काम था और ये जब सामने आता है दर्शकों के सामने तो और भी अच्छा लगता है।